और जादू मंदिर का आरती शुरू हो गई है और अभी जो नज़ारा होगा वो देखने वाला होगा। खबरें अभी तक के जो दर्शक हैं वो इस आरती का, भव्य आरती का आनंद उठा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है आरती अब शुरू हो गई है और जो मैंने आपको बताया था कि आज कथकली जो एक कला है नृत्य की, उसका आयोजन किया गया है और वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से अभी यहाँ भव्य जो है नृत्य पेश किया जाएगा इस आरती के चलते हुए। आप देख सकते हैं करीबन 108 दिए जो हैं वो जलाए गए हैं। यूँ तो भव्य आरती जो हो रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो अभी ये सर पर उठाकर 108 दियों को जो सर पर उठाकर ये नृत्य किया जाएगा वो भी अपने आप में एक अलौकिक नृत्य होगा, अलौकिक जो हम कह सकते हैं कि दृश्य होगा, तस्वीरें होंगी। और यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए सर के ऊपर 108 दियों को रखने के बाद जिस तरह से यहाँ नृत्य पेश किया जा रहा है वाकई में अलौकिक है, वाकई में भव्य नज़ारा यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं वंदिका चौथा दिन है आज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का और आज ही ये ऐसा नृत्य यहाँ देखने को मिल रहा है। इससे पहले 3 दिन जो थे ऐसा नृत्य देखने को नहीं मिला। हालांकि आरती जो भव्य होती है रोज़ाना होती है इसी तरह से आरती होती है, लेकिन जो ये तस्वीरें आपको आज हम दिखा रहे हैं वो अपने आप में पहली तस्वीरें हैं जो कि अब तक यहाँ गंगा घाट के किनारे नहीं हुई थी। Mama de
जी अवंतिका, आपको मैं बता दूं अवंतिका, आज पहला मौका था, 4 मार्च है, आज चौथा दिन है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का, और आज पहले दिन ही ये जो आपने अभी देखा, तस्वीरें देखी, सर पर उठाकर जो दियों को जिस तरह से नृत्य किया गया कथकली, तो अपने आप में एक अभूतपूर्व एहसास हम कह सकते हैं जो यहाँ लोग पहुँचे हैं। 94 देशों से लोग यहाँ पर आए हैं, और जो कलाकार यहाँ पर ये नृत्य पेश कर रहे थे वो खुद जो है अहमदाबाद से खासतौर से आए हैं। इंटरनेशनली वो परफॉर्म करते हैं, विदेशों में जाकर परफॉर्म करते हैं, और आज यहाँ परमार्थ निकेतन में वो खास इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल और इस महाआरती में वो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए खासतौर से यहाँ मौजूद थे गंगा घाट पर। और वाकई में अद्भुत उनकी जो भी उन्होंने पेशकश की है वो बेहतरीन थी। हम कोशिश करते हैं उनसे भी बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे, आखिर वो कौन है और किस तरह से यहाँ। सबसे पहले तो खबरें अभी तक पे स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे, बेसिकली वी आर इंटरनेशनल परफॉर्मर और गुजरात से हम लोग हैं और हम लोग 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये परमार्थ निकेतन में स्वामी जी की तरफ से आपको न्योता दिया जाता है, किस तरह से अब बताइए। परमानंद स्वामी जी अहमदाबाद में आए थे और उन्होंने हमारा परफॉर्मेंस देखा था, वो बहुत एक्साइट हो गए, उन्होंने बोला, सीधा बोला कि आप हमारे यहाँ पे आइए ऋषिकेश में, बहुत अच्छा आश्रम है, पहली बार हम लोगों ने आश्रम देखा था वो 3 साल पहले। इतने खुश हो गए हम लोग कि हमारी लाइफ में पूरी दुनिया में हम लोगों ने शो किया है सर जी। लेकिन यहाँ पे हम परफॉर्मेंस करके हम धन्य हो गए, सच बोलो तो सर। और स्वामी जी का बहुत हम आभारी है कि उन्होंने हमारी आर्ट को पहचाना और हमें यहाँ पे बुलाया सर। गंगा घाट के किनारे क्या पहले कभी मौका मिला था आपको आने का? सर कभी लाइफ में नहीं मिला सर, बेसिकली हम गुजरात अहमदाबाद से है और कभी चांस नहीं मिला। बहुत इच्छा थी बहुत पहले से कि यहाँ पे गंगा घाट पे आके हम लोग कुछ परफॉर्मेंस करें, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं था, ऐसा कोई बुला नहीं रहा था। लेकिन ऐसे बोले ना कि शिव जी ने हमें यहाँ पे बुलाया और वो भी स्वामी जी खुद आके यहाँ पे हम लोगों को, दोनों को, भैया और अक्षय भाई को, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आरती कीजिए। तो हम तो धन्य हो गए, हम गुजरात से आए हैं, हम सभी कलाकार धन्य हो गए, यहाँ पे गंगा मैया के आरती करने का मौका मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुजरात से जैसे आए हैं और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का हिस्सा आप बने हैं यहाँ पर आकर, मोदी जी ने योगा को एक पहचान दिलवाई पूरे विश्व में, तो कैसे महसूस करते हैं योगा आप, क्योंकि आपका वैसे भी फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, क्या आप योगा करते हैं दिन में? जी हम योगा भी करते हैं और हमारे जो डांस फॉर्म है उसमें हम योगा को कंबाइन करके हम उनके साथ कंबाइन कॉम्बिनेशन करके योगा विथ डांस, तो जैसे आपने देखा आरती में भी हम थोड़ा योगा के आसन भी किए हैं, तो उनके साथ भी हम कंबाइन करके योगा फेस्टिवल में हमने इसको इंक्लूड करके हम कॉम्बिनेशन करके पूरा कोरियोग्राफी किया है इस डांस। तो योगा प्लस डांस, और वाकई इन्होंने ये साबित कर दिया कि लड़कियाँ लड़कों से पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह चलती हैं। तो कैसा महसूस किया आपने, पहली बार यहाँ पर आई हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम भी हम लोग आए थे तो इतना ही वाइब्रेशन यहाँ से मिलता है, तो वो एनर्जी हम लोग सब डांस में डालते हैं और कहीं भी परफॉर्म करते हैं तो यहाँ का पूरा एनर्जी हम लोग डांस में डालते हैं। 94 देशों के लोग यहाँ पर आए हैं, कि आपको कभी लगता, आपको ऐसा लगा कि हाँ ये एक दुनिया के सामने हम ये प्रस्तुति दे रहे हैं जो अपनी आपकी कला की? यस हाँ, बहुत अच्छा। एक बात बोलता हूँ मैं सर, बेसिकली गुजरात में हम लोग बहुत परफॉर्मेंस किया, लेकिन आज आप बोले कि 94 कंट्रीज में से यहाँ पे आए हैं लोग, तो बस अपनी भारत की संस्कृति और अपनी जो गुजरात और इंडिया की पूरी संस्कृति को अपने लोगों करते हैं हम उनके सामने, हाँ, और वो लेके पूरी दुनिया में अपना राम रोशन करेंगे, जिससे बहुत खुश। बिल्कुल, आपने सुना अवंतिका की 94 देशों से यहाँ पर जो प्रतिभागी आए हुए हैं उनके सामने प्रस्तुति देकर, वाकई में ये भी बहुत खुश हैं, और इनका कहना यही है कि अगर हम इनके सामने पेशकश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो संस्कार हैं वो पूरी दुनिया में फैलेंगे, पूरे विश्व में वो, ये जो हमने दिखाया है उनको आज वो अपने देशों में लेकर जाएंगे और भारत की संस्कृति को और ज़्यादा प्रबल बनाएंगे।